सब्सक्राइब करें हमारे राहुल टैक्स 429 चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करें हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल टैक्स 429। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फोन के कुछ फीचर्स और कुछ हिडन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फोन के बारे में, जियो फोन के कुछ फीचर्स और जैसे कि कुछ शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि अगर आपको कुछ भी अपने जियो फोन में यूज करना है, जैसे कि जिसे हम नोटिफिकेशन पैनल से ऊपर से खोल लेते हैं एंड्रॉइड में, आप जियो में ये अपर बटन दबाकर उसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप डाटा यहाँ से ओपन अपना कर सकते हैं, तो ये तो हो गया एक सिंपल फीचर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं आप कैसे अपने जियो के एप्स जो जियो के परमिटेड है वो खोल सकते हैं। तो आप ये रेड बटन से ऊपर वाले बटन को एक लॉन्ग प्रेस करके रखें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सारे एप्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आपके प्लान्स के बारे में, आप कैसे अपने जियो फोन में अपने प्लान्स देख सकते हैं, तो आप अपना माई जियो ऐप खोल लीजिए। जैसे कि हमने माई जियो ऐप ओपन कर लिया है, तो आप मेन्यू पर जाएं और यहाँ पर माई प्लान्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमारे करंट प्लान है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको अपने एक्स्ट्रा प्लान देखने हैं तो आप यहाँ रिचार्ज पर क्लिक करें और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली जो है वो 153 का है और जो कि जियो फोन है हमारा अभी 49। ये जो अभी नया है 26 जनवरी को जो ये प्लान आया है जिसमें आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं, आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से अपने जियो प्लान देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं आप कैसे वीडियो कॉल का ऐप ओपन कर सकते हैं विदाउट कहीं ऑप्शन में चाहे, तो आप ये ग्रीन बटन को एक लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं, तो इससे आपका जियो वीडियो कॉल का ऐप ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि अब ये ओपन हो रहा है आप देख सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ से अपने डायरेक्ट जियो वीडियो कॉल के ऐप को ओपन कर सकते हैं। वैसे फोन काफी कभी कभी हैंग हो जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आप कैसे अपने फोन में मूवीज देख सकते हैं और ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। तो ब्राउजर के लिए आपको ये जीरो को लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, जैसे कि जीरो हमने प्रेस कर रखा है, तो जैसे कि आपका ब्राउजर ओपन हो चुका है। तो ये है ब्राउजर ओपन करने का तरीका। और अगर आप चाहते हैं मूवीज देखना अपने जियो फोन में, तो आप यहाँ लॉन्ग प्रेस रख सकते हैं और जैसे कि अब ये आ जाएगा तो आप यहाँ पर जियो टीवी में जा सकते हैं। तो जैसे कि ये जियो टीवी है, यहाँ पर आपको आप सारी मूवीज सारे चैनल्स आपको लाइव मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि जियो फोन के बारे में हैं। और अगर हम और बात करें तो आप अपने फोन को अपडेट कैसे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि न्यू सॉफ्टवेयर आ गया और आपका फोन अपडेट नहीं है, तो आप फोन की सेटिंग्स में जाएं, डिवाइस में जाएं और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो आप यहाँ से अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फोन इस टाइम ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन में है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपडेट करा था। तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं कुछ न्यू ऐप डाउनलोड करना इस फोन में, तो आप अपने मेन्यू में जा सकते हैं और आपको यहाँ मिल जाएगा जियो स्टोर, तो आप जियो स्टोर में जाएं। जैसे कि ये तो इंस्टॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल ऐप जो कि मैंने इंस्टॉल नहीं करी है, तो आप यहाँ प्रेस करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें और भी कुछ ऐप है, जियो सिनेमा भी इसमें इंस्टॉल है, क्रिकेट आप ये क्रिकेट का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आपको मिल जाता है बुक माई शो ऐप, माई जियो भी प्री इंस्टॉल इसमें आता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्पॉट, आप ये भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि काफ़ी सारे ऐप्स हैं इसमें, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। तो ये इसके कुछ शॉर्टकट एंड ट्रिक्स थे। अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और शॉर्टकट जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट में लिखकर हमसे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।